हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने एलोवेरा ऑयल के बारे में तो जरूर सुना ही होगा कि ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए कितना अच्छा और इफेक्टिव होता है। एलोवेरा एक नेचुरल चीज होने के साथ साथ बालों को सही ग्रोथ और पोषण देता है। इसके लगातार इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ सही ढंग से होने लगती है, बालों का झड़ना भी बंद होने लगता है और साथ ही जो रूखे सूखे बाल आपके हो जाते हैं वो भी सिल्की और शाइनिंग हो जाते हैं। इस ऑयल को सही तरीके से कैसे बनाना है और सही तरीके से इसे कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज का ये नेचुरल ऑयल आपके बालों का झड़ना कम कर देगा, रूखे सूखे और बेजान बाल भी आपके सिल्की और शाइनिंग हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी। बाल जड़ से मजबूत, काले और घने और मुलायम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, रेमेडी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लांट वाला ही एलोवेरा लीफ लिया हुआ है। आपको यहाँ पर प्लांट वाला ही एलोवेरा लेना है, ये आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एलोवेरा बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही हमारे बालों का झड़ना कम करके उनको सही पोषण देता है। इसको इस तरीके से दोनों साइडों से इसे कट कर लेना है, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लीजिए। अब इसका किसी मिक्सी की हेल्प से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में आपकी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी, ये बहुत ही नेचुरल रेमेडी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं आपको इस पेस्ट से बहुत ही इजी तरीके से एक नेचुरल हेयर ऑयल बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए आपको सबसे पहले किसी पैन में इसे पेस्ट को निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी सरसों का तेल। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चाहें तो नारियल का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल, वो भी यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी सरसों का तेल यूज कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, सरसों का तेल बहुत ही इजीली सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। मैं यहाँ पर 200 ml के आसपास सरसों का तेल इसमें ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, अब आपको इसे 5 to 10 minutes तक इसे गर्म कर लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें इसको जलाना नहीं है, इसको धीमी आंच पर ही इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है ताकि एलोवेरा की सारी प्रॉपर्टीज इस ऑयल में अच्छे से आ जाए और हमारा एक नेचुरल हेयर ऑयल बनकर तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है, एलोवेरा और ऑयल सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अब आपको इसे थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही ढककर छोड़ देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद में कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। अब आपको इसे किसी स्ट्रेनर की सहायता से इसे छान लेना है। अब इसके बाद में आपको लास्ट चीज और इसमें ऐड करनी है, वो है कैस्टर ऑयल। ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे बालों को दुगनी तेजी से बढ़ाता है और हमारे बालों का झड़ना भी कम कर देता है और ये हमारे बालों को सही तरीके से पोषण देने में हेल्प करता है। आपको ये किसी भी जनरल स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल इसमें ऐड कर लेना है। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा हेयर ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। आपको किसी कांच की बोतल में इसे स्टोर करके रख लेना है ताकि लंबे समय तक सेफ रह सके। आपको इसको बार बार बनाने का कोई भी झंझट नहीं है, आप इसे एक बार बनाकर भी रख सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब आपको मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। इसको अपनी फिंगर की हेल्प से अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगा लेना है, धीरे धीरे अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से मसाज कर लेना है और साथ ही अपने बालों की लेंथ पर भी इसे अप्लाई करिए। कम से कम इसे अपने बालों पर 2 से 3 घंटे के लिए लगाकर रखिए ऐसे ही,
आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी लगाकर ऐसे छोड़ सकते हैं, वह और भी ज्यादा इफेक्टिव और असरदार होगा और आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप इसे किसी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इसे वीक में 2 से 3 बार जरूर अप्लाई करिए। 2 से 3 वीक में ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। आपके बाल पहले से बेहतर सिल्की और शाइनिंग हो जाएंगे और जड़ से मजबूत भी होने लगेंगे। बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा और साथ ही आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। जो भी आपके बालों में इन्फेक्शन हो गया है, रूसी है, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये बालों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। ये बहुत ही अच्छा और नेचुरल ऑयल है। आप इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू और नेचुरल रेमेडीज लाती रहती हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही नेचुरल घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।